RIL की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी ने भारत के लिए फ्री 4G फोन का ऐलान किया। इसकी कीमत ₹0 है, लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको ₹1500 देने होंगे। कंपनी के मुताबिक ये 3 साल में रिफंड कर दिए जाएंगे। इस फीचर फोन के साथ लाइफ टाइम कॉल फ्री है, इसके अलावा डेटा भी फ्री मिलेगी, लेकिन इसके लिए ₹153 का रिचार्ज करना होगा। इसके अलावा अगर दूसरी सर्विसेज लेनी है, दूसरी सर्विसेज में जैसे अगर रिलायंस जियो फोन के सारे कंटेंट आप किसी भी टीवी पर देख सकते हैं, इसके लिए ₹309 देने होंगे, जो पहले जियो धन धनाधन ऑफर के लिए देने होते थे। इसके अलावा अंबानी ने कई सारे ऐलान किए, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले समय में फिक्स्ड लाइन और जियो फाइबर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि अगले कुछ सालों में पूरे देश में जियो 99.9% की कवरेज के साथ उपलब्ध होगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये जियो फोन आखिर मिलना कब से शुरू होगा, तो कंपनी ने कहा कि 15 अगस्त से इसका बीटा वर्जन बाजार में आएगा, जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होगा, लेकिन 24 अगस्त से इसके लिए आप प्री बुकिंग करा सकते हैं। जो प्री बुकिंग कराएगा उसे 1 सितंबर से मिलना शुरू होगा। इसीलिए इवेंट के दौरान मुकेश अंबानी ने कहा कि जो लोग इसकी पहले प्री बुकिंग कराएंगे, उन्हें जल्दी यह फोन दिया जाएगा। उनका दावा है कि यह दुनिया का सबसे सस्ता इंटेलिजेंट फोन है, जिसमें वॉइस कमांड दिए गए हैं, यानी वॉइस कमांड यूज करते हुए आप इस फोन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें कीबोर्ड भी है, अगर आप कीबोर्ड यूज करना ना चाहें तो इससे बोलकर कई टास्क किए जा सकते हैं। इसका डेमोंस्ट्रेशन भी इस लॉन्च के दौरान मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने दिया। जो कस्टमर 153 या ₹309 का रिचार्ज नहीं कराना चाहते हैं, उसके लिए 2 सैशे पैक का भी ऐलान किया गया है। पहला ₹24 का है, जिसे 2 दिन तक यूज किया जाएगा, जबकि दूसरा ₹53 का है, इसे आप 1 सप्ताह तक यूज कर पाएंगे। इसमें सारी सर्विसेज फ्री होंगी, जैसे कॉलिंग और डेटा फ्री होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि डेटा की लिमिटेशन क्या होगी। जैसे पिछली बार जब धन धनाधन ऑफर का ऐलान किया गया था, उसमें हर दिन 2 से 4 GB डेटा दिया गया, लेकिन इस बार अभी यह साफ नहीं किया गया है। अभी कंपनी ने क्लियर कट नहीं बताया है कि आने वाले समय में इसमें डेटा पे लिमिटेशन क्या होगी। हालांकि कॉल तो पहले से भी फ्री थी, इसलिए कॉल फ्री ही होगी, लेकिन डेटा में शायद ऐसा हो सकता है कि हर दिन के लिए कुछ लिमिट दी जाए, जो आने वाले समय में साफ होगा।